हेलो, मैं सुनीता वाशने आज एक बार फिर आपको एक ऐसे टॉपिक से अवगत कराने आई हूँ जहाँ फिर से आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अधिकतर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे एवं चर्च में ईश्वर का सानिध्य नहीं होता। ये वाक्य आपको ताज्जुब में डाल रहा होगा, पर इसमें ताज्जुब की तो कोई बात नहीं है। अब आप ही देखिए, इन दिनों एपिडेमिक पीरियड में हम सभी कितनी बार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में गए हैं। तो क्या इन दिनों हम ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं या उसका प्यार प्राप्त नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि ईश्वर सभी के दिलों में रहते हैं, ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में। मंदिर की जमीन और संपत्तियों को हड़पना, पैसों की वसूली में धोखा करना, धर्मार्थ निधि से पैसे निकाल लेना, इस तरह की बेईमानी के काम मंदिरों में व्यापक रूप से हो रहे हैं। वरना भगवान के सामने रखी दान पेटी पर मोटा ताला लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या कभी आपका ध्यान इस ओर नहीं गया? जरूर गया होगा। आज पुजारी भी हृदय से शुद्ध नहीं है। मंदिर तक जाने और मंदिर से लौटने के लिए लगने वाले समय में हम कितने क्षण ईश्वर के बारे में दिल से सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं? जब कपूर, धूपबत्ती वगैरह जलाकर पूजा कर रहे होते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए ईश्वर के बारे में जरूर सोचते हैं, परंतु तब भी उस समय भी हम सौदा कर रहे होते हैं कि हे भगवान, मेरी अमुक मांग पूरी कर दो तो मैं आपका अभिषेक कराऊंगी, मंदिर की धर्मार्थ निधि में इतने पैसे दान करूंगी। हम ईश्वर को दलाल समझकर उसके साथ सौदा करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छे विचार प्रदान करने की या सही रास्ता दिखाने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर ईश्वर बार बार मंदिर, मस्जिद जाने वालों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तो ईश्वर के सम्मुख पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर अपना ज्यादातर समय उनके सम्मुख बिताने वाले मुल्ला, मौलवी एवं पुजारी को अधिक उपकृत होना चाहिए। ईश्वर से उनको बेहतरीन पुरस्कार मिलने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मैं मंदिर के लिए 1 रुपया भी दान नहीं देती। हाँ, अगर जरूरतमंद, गरीब विद्यार्थी या गरीब मरीज है तो वहां पर जरूर मदद करती हूँ। आप जरूरतमंद की मदद पैसे के अलावा अपना कीमती वक्त देकर, उसे सही रास्ता दिखाकर और अच्छा फील देकर भी कर सकते हैं। जो भी मदद करें वो दिल से होनी चाहिए। शुरू शुरू में मेरे पीठ पीछे मेरे संबंधी, मेरे मित्रगण, जो मेरी आलोचना किया करते थे, आज भी मुझे धीरे धीरे समझ चुके हैं। उनमें से भी कईयों ने अपनी जीवन विधि बदल ली है और जरूरतमंद में पीड़ितों की मदद करना आरम्भ कर दिया है। अगर हम मंदिर नहीं जाते तो हमें ईश्वर के क्रोध से डरना नहीं चाहिए। क्या ईश्वर नहीं जानते कि मंदिर न जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? बार बार मंदिर जाने वाले और सहायता मांगने वाले लोगों को ईश्वर अपना आशीर्वाद नहीं देते, वरन जिन्होंने अच्छे कर्म करके पुण्य कमाए हैं, ईश्वर की कृपा उन्हीं पर ही होती है। हमें कर्मों की गुह्य गति को ठीक से समझना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए हमें हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, तभी वो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। कहा भी गया है कि अगर हम ईश्वर की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। एक गाना भी है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।